नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी लॉकडाउन और ये जो वायरस का जो डर चल रहा है, ऐसे में इस माहौल में सबको जो है बहुत लोग सबको तो नहीं बहुत लोगों को टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, ये सब हो रहा है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया है, उसके लिए मैं बहुत आसान और बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया जल्दी कर लो, क्योंकि आपको घर बैठे बहुत सारी लाखों रुपए की जानकारी फ्री मिलेगी। इसमें इतने अच्छे अच्छे इलाज बताए जा रहे हैं जो चमत्कारी का असर कर जाते हैं कभी कभी। तो ये एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट है बिना दवा के, इसमें आपको कुछ दवा नहीं चाहिए। बेस्ट एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट, बेस्ट जो प्रोटोकॉल होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, हाँ, डिप्रेशन, देखिए अभी जो माहौल चल रहा है डर का, इसमें डिप्रेशन सब लोग को हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। इसका होने के देखिए कारण क्या है, एक तो डर का माहौल है, इस वजह से कि बीमारी मुझे ना हो जाए, बाहर निकलूँगा तो क्या होगा, इतना ज़्यादा डर हो गया हमें। स्पेशली जब हम न्यूज़ चैनल देखते हैं तो उसकी वजह से हमारा डर और बढ़ता जा रहा है, या सोशल मीडिया पे देख देख के बीमारी के बारे में इतना ज़्यादा बता दिया गया है कि जिसकी वजह से हमारे अंदर डर बैठ गया है। और उस पर भी अगर हम लोगों को कुछ बीमारी है, सीनियर सिटीजन को, तो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि आपको न्यूज़ चैनल बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आपको अपडेट लेना है तो 15 मिनट, आधा घंटा न्यूज़ चैनल देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत देखिएगा, आपके लिए नुकसानदायक है। कोई वो नहीं है, क्रिकेट का मैच नहीं, आईपीएल नहीं चल रहा, आईपीएल का सीज़न होता शायद अगर ये नहीं आता तो आईपीएल आने वाला होता, बट ये वो नहीं है। तो इसलिए आप सिर्फ वही देखिएगा जितना आपको चाहिए नॉलेज, ये कोई अपडेट नहीं लेना, अरे स्कोर क्या हुआ हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में, या पूरा दिन बहस देखते रहिए, कोई मतलब नहीं है, उल्टा आपके ऊपर ये नेगेटिव असर डालेगा। तो इसलिए ये बिल्कुल मत देखिएगा, बिल्कुल मत देखिएगा। उसकी जगह आपको क्या करना है, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो आपको उसमें इस टाइम को अच्छे उसके लिए यूज़ करना है, अपनी हेल्थ के लिए यूज़ कीजिए ना। घर में बैठ के सिर्फ, मैंने जैसे बोला भी है कि सिर्फ घर में बैठने से हम उससे नहीं बचेंगे, उसमें साथ साथ हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दीजिएगा। उसके लिए मैं अपने 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखे होंगे, रिसेंटली बनाया है मैंने, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो आपका आपकी इम्यूनिटी आप घर में बैठ के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं लास्ट में बता भी दूंगा कि कैसे करेंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को टेंशन हो रहा है, सही में जो जेन्युइन टेंशन सबको है वो हो रहा है, कि कुछ लोगों को है कि मेरे को दुकान का किराया देना है, मकान का किराया देना है, काम धंधा बंद है तो पैसा कहाँ से आएगा, लड़कों की सैलरी भी देनी है तो वो पैसा कहाँ से आएगा, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। लेकिन वो टेंशन तो हो ही रहा है, अभी कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट ने अगर बोला है कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, आप जा नहीं सकते, बाहर जाएंगे तो बुरा डंडे पड़ जाएंगे आपको, तो बाहर जा नहीं सकते। तो इसलिए आपको घर में बैठना है और बीमारी से डरना नहीं है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। बैठे बैठे जो ये टाइम है इसको आपको, जैसे मैंने लास्ट बताया, आपको स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को मजबूत करना है। अभी जो है उसका तो कुछ हो नहीं सकता, जब होगा उसका हल निकालेंगे। उसके बहुत से ऑप्शन लोग बता रहे हैं कि अभी नुकसान हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, अपना प्लानिंग कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, ऑनलाइन आ सकते हैं, ऐसे बहुत कुछ है। लेकिन वो इतना जल्दी कहने के लिए है, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो सकता। आप अपना स्किल निखार सकते हैं, कोई अपना स्किल अभी इस टाइम में कर लीजिए, जिससे आपके पास जो आपने नुकसान हुआ वो एक्स्ट्रा कवर कर पाए। नहीं तो सबसे बढ़िया तो मैं बता ही रहा हूँ, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए ये टाइम, तो आपको लाखों रुपया वैसे भी बच जाएगा। अभी जो है वो है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो ऑर्डर है उसको तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। चलिए अभी बात करते हैं। देखिए, जो डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, एक तो इसमें आपको डरना बिल्कुल नहीं है, डर के आगे जीत है। तो इसलिए आप डरिएगा मत, क्योंकि मैंने अभी ओशो की एक सुन रहा था अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, कि उन्होंने बोला कि एक शायद कहाँ बगदाद की स्टोरी उन्होंने बताई थी, कि बगदाद में एक गांव के बाहर एक फकीर वो बाबा बैठा हुआ था, उन्होंने देखा कि एक साया आ रहा है। तो बाबा ने पूछा, भाई ये साया तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला, मैं गाँव में जा रही हूँ, मैं महामारी हूँ, मैं 500 लोगों को ऐसे कुछ बताया था, 500 लोगों को मारने जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ। जब वो उन्होंने देखा अंदर जाके, वहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोग मर गए। तो जब वो साया वापस आया तो बाबा गुस्से में बोले कि तुमने मेरे से, अगर तुम्हें अंदर जाना था तो मेरे से झूठ क्यों बोला, सच बोल के जाना चाहिए था कि तुमने 5000 लोगों को मारना था, या 5 लाख लोगों को, जो भी नंबर था, नंबर पे अभी मैं नहीं जा रहा, तो उस तुम मेरे से सच बोलना चाहिए था, तुमने इतने से ज़्यादा लोग मार दिए और मेरे को बोला सिर्फ झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो उस साय ने बोला, भैया मैंने तो 500 लोग मारे, बाकी लोग तो डर से मर गए। मतलब कि देखिए, डर इतना खतरनाक है, बीमारी से जितना नहीं मर रहे उसके बीमारी के डर से उतना मर सकते हैं। इसलिए डरिए मत, सिर्फ अपने आप को मजबूत कीजिए। और एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट हो रही है, उसका मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। उसका ट्रीटमेंट देखिए क्या है, सबसे पहला पॉइंट है H7, ये देखिए आपके रिस्ट पर है, ये देख लीजिए, ये
रिस्ट पर स्मॉल फिंगर की साइड में जहाँ रिस्ट ज्वाइंट है वहाँ पर है ये H7। इस पॉइंट को आपको इस तरह से स्टिमुलेशन देना है सुबह दोपहर शाम, इस तरह से आपको ये 3 मिनट के लिए देना है, इस तरह से दोनों हाथों पे देना। इसमें भी स्मॉल फिंगर की साइड है, ये देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर देना है आपको यहाँ पर। और हो सके तो यहाँ पे एक मटर का दाना, वटाना, पेपर टेप अगर आपके पास अवेलेबल हो, इस तरह का पेपर टेप आएगा मेडिकल स्टोर पे, आपको केमिस्ट के शॉप पे मिल जाएगा, और एक चने का दाना या कोई भी मोटा दाना जो मिलता है वो आप टेप पे चिपकाइएगा। ये देखिए इस तरह एक दाना, और इसको यहाँ लगा लीजिए और उसके बाद प्रेशर देते रहिए दिन भर, इस तरह से दोनों तरफ चिपका लीजिएगा। H7 पॉइंट होता है ये देखिए यहाँ। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए आपकी 3 फिंगर की दूरी पर, रिस्ट से 3 फिंगर की दूरी पर ये यहाँ पर, यहाँ पर भी इसी तरह आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3 मिनट के लिए प्रेशर देना है सुबह दोपहर शाम, जिस तरह से मेडिसिन खाते हैं उसी तरह से इन पर आपको प्रेशर देना है। और यहाँ भी आप इसी तरह से पेपर टेप से मटर, वटाना, सफ़ेद मटर, चना, सोयाबीन का दाना, कोई भी सीड आप यहाँ लगा लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपके अंगूठे भी बैक साइड में, ये भी दोनों हाथों में लगाना है आपको, 3 उंगल की दूरी पे दोनों हाथों में लगाना है और इसको प्रेशर देते रहना है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो आपके अंगूठे के नीचे बैक साइड में यहाँ पर है UB15, ये देखिए लगभग यहाँ पर, इसको UB15 बोलते हैं। ये देखिए ये देखिए यहाँ पर दोनों हाथों में, यहाँ अंगूठे पर भी आप सीधी लाइन में आएंगे, देखिए ये अंगूठे के सेंटर से सीधी लाइन में आके थोड़ा सा इधर, ये UB15 आपको इस पर इस तरह से देख लीजिए, इस पर इस तरह से आपको प्रेशर देना है यहाँ से आके। ये देखिए यहाँ पर ये आपका UB15 यहाँ पे इस एरिया में कवर हो जाएगा, ये इस तरह से। वो पॉइंट देखा था H7 ये था, ये देखिए ये H7 है और ये था P6 पॉइंट, यहाँ पे ये 3 पॉइंट हो गए। इन पर आपको प्रेशर देना है सब पर 3-3 मिनट के लिए दिन में 3 बार, या कभी भी आपको कभी घबराहट लगने लगी आपने ये लगाया हुआ सीट, इसी पर प्रेशर देना शुरू कर देना 3 बार तो देना। उसके अलावा आपको लगता है कि आपको एंजाइटी फील हो रही है, घबराहट हो रही है, तो ये आपको इस तरह से लगाना, प्रेशर देना स्टार्ट करना है यहाँ पर भी इसी तरह दोनों हाथों में देना 3-3 मिनट के लिए सभी पॉइंट्स को, मतलब 9 मिनट्स इस पर, 9 मिनट्स इस पर, 9 मिनट्स। उसके बाद एक पॉइंट और बता रहा हूँ जो बहुत अच्छा है, जो ओरिकुलर में कभी कभी वो सिंगल पॉइंट भी काम कर जाता है, तो आप इसको अगर ये लगाने में आपको प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ ये वाला देखिए यहाँ पर है आपकी ईयर लोब पर, यहाँ पर आपको ये देखिए नीचे इधर से आएंगे, जिम्मी से पेन से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये नीचे इस साइड में, इस साइड में है ये पॉइंट, इस पर आपको इस तरह से मसाज करनी है, नीचे की तरफ मसाज करनी है यहाँ पे। ये देखिए ये देखिए इस तरह से यहाँ पर, ये साइड में, ये देखिए यहाँ पर इतने एरिया में आपको इस तरह से प्रेशर देना है आगे की तरफ, इस तरह भी प्रेशर दे सकते हैं इस तरह से मसाज करने। कभी कभी ये सिंगल पॉइंट से ही एंजाइटी वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाती है, बहुत काम का पॉइंट है ये, याद कर लीजिए आप। इसको भी सुबह दोपहर शाम आपको प्रेशर देना है 5-5, 3-3 मिनट के लिए। कभी एंजाइटी फील हो रही है तो आप तुरंत देंगे तो ये मेडिसिन से भी फास्ट असर कर जाता है, इस तरह से देखिए ये ध्यान से देख लीजिए, ये लोब पर नीचे की तरफ यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर ये इस एरिया पर दोनों पे यहाँ पे ये करना है तो आपका एंजाइटी डिप्रेशन इससे मोर देन 70% लोगी ठीक हो जाते हैं। अगर ये तीनों चारों पॉइंट आप अप्लाई करते हैं तो इससे बहुत से रोगी ठीक हो जाते हैं, तो आप ये अप्लाई कीजिए घर में बैठे बैठे। और इसके अलावा जो मैंने बताया था वो सब एक्टिविटी कीजिए, डिप्रेशन से एंजाइटी से बचने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए और अपनी इम्यूनिटी जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए, तभी आप, नहीं तो ऐसे वायरस बहुत से आते रहेंगे और आप पे अटैक करते रहेंगे, आने वाले टाइम में भी बहुत आएंगे, तो इसलिए आपको इसका एक ही मात्र की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करनी मैंने वीडियो है वो देखिएगा, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिएगा, एक्यूप्रेशर कीजिए, एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे पॉइंट्स है, डाइट को सुधारिए, वो मेरा पिछला वीडियो था वो देखिए, डायबिटीज़ वाला वीडियो है, उसमें मैंने बहुत अच्छा बताया, फिजिकली एक्सरसाइज बताई थी, हेल्थ वर्क बताया था, वो सब भी आप देखिए तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। और टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ ये पॉइंट दबाइए और आपकी सब टेंशन
डिप्रेशन सब गायब हो जाएगा। इस पर विश्वास के साथ करना शुरू कीजिए, 1 से 2 दिन में आपको असर दिखने लगेगा, लेकिन आपको करना बराबर पड़ेगा, 2 दिन में आपको असर दिखना शुरू होगा। और न्यूज़ चैनल को कह दीजिएगा बाय बाय, जितना भी आपको टेंशन वाली चीज़ है उनको बाय बाय कह के ये शुरू कर दीजिए, और अपने लिए आगे की प्लानिंग कीजिए। अगर आपको बिजनेस की किसी चीज़ की टेंशन, उसको कैसे निकला जाए, वो प्रॉब्लम है, उससे कैसे आपको निकलना, कहना आसान है मुझे मालूम है कि मुश्किल है, सबको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उससे हम क्या करते हैं, इस पर आप सोचिए, हेल्थ पे करना है और प्लानिंग बनानी है। थैंक यू वेरी मच, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।